नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत चार दिन पहले नर्मदा घाट पतही में अवैध रेत खनन माफिया एवं ग्रामीणों के बीच विवाद और खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जो सोशल मीडिया पर छा रहा है। लेकिन पांच दिन होने के बावजूद ना कोई शिकायत करने आया है और ना पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबिश है, जिसके कारण मामला दबाया जा रहा है। लेकिन मीडिया के दखल के बाद चार दिन बाद थाना प्रभारी जांच की बात कह रहे हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि कानून और राजनीतिक संरक्षक ग्रामीणों एवं रेत माफियाओं को प्राप्त है तो जो खुले आम फायरिंग कर रहे हैं, या कानून किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है। हमको पता चला है कि ट्रैक्टर ट्राली वाले और कोई अज्ञात चार लोगों के बीच में विवाद होकर किसी के द्वारा, दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा गोली चालन हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, ना तो कोई इस घटना के संबंध में सामने आया है। वायरल वीडियो के आधार पर इसकी पहचान नहीं हो पा रही है क्या? वायरल वीडियो काफ़ी दूर से बना हुआ है, उसमें सिर्फ व्यक्ति दिख रहे हैं, उसमें चेहरा क्लियर नहीं आ पा रहा किसी का। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।